हेलो गाइस, आजकल तो लॉकडाउन है और घर में कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो हम लोग अपने घर में ही कुछ चटपटा बनाते हैं और बहुत इजी था ये। आपने आपको देख के शायद कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ आपने लगाया होगा। ये है मुरमुरे जो बहुत ही करारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही करारे हैं। और अगर आपके घर में भी कुछ मुरमुरे रखे हों तो क्यों ना हम लोग आज थोड़ी सी झालमुड़ी बनाते हैं और घर पर ही छटकारा मारते हैं। तो आइए, मैं अपने आज शाम के रूटीन में मैंने मैं आज आपको चटपटी झालमुड़ी जिसको कहते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। आइए आप सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले तो मुरमुरे चाहिए। मुरमुरे देखिए आपके एकदम करारे होने चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास पहले के मुरमुरे रखे हैं और आपको थोड़े करारे कम लग रहे हों तो आप उसको थोड़े से कढ़ाई में ऐसे फ्राई कर सकते हैं बिना किसी रिफाइंड और किसी भी मस्टर्ड ऑयल के। सिर्फ आप उसको हल्के से फ्राई कर लीजिए ताकि वो एकदम करारे हो जाए। आप सुन सकते होंगे इनकी करारी आवाज़ को, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं मैं इसको किस तरीके से बता रही हूँ। तो गाइज, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये आपके सामने क्या रखा है। तो आपके यहाँ ऐसा कोई बर्तन हो जिसको आप, मैं तो इसको लोटा कहती हूँ, इस तरीके का हो, और आपने देखा भी होगा कि जो झालमुड़ी बनाते हैं उनके पास इस तरीके का एक बर्तन होता है। तो बस हम लोग इसी में बनाने वाले हैं अपने झालमुड़ी। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके का एक कोई बर्तन ले लेंगे, या आप बाउल में भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा बिल्कुल एकदम स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़े से मुरमुरे हम लोग इसमें डाल लेंगे। इस तरीके से देखिए, मैं इसमें हाफ मुरमुरे डाल लिए हूँ। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। देखिए, मस्टर्ड ऑयल जो है वो मस्ट है। ओ माय गॉड, मस्टर्ड ऑयल इज़ मस्ट। सो मस्टर्ड ऑयल इसमें हम लोग डालेंगे क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से जो एक टेस्ट आता है ना वो एकदम अलग ही होता है। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आपके यहाँ आम का अचार हो और आम के अचार में थोड़ा तेल हो तो अगर आप वो वाला भी तेल यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा आम के अचार वाला तेल भी डालूँगी, ये देखिए, तो उसमें जो वो आम के अचार की स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है खट्टापन वो आ जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा, बस आपको लग ही रहा होगा कि बिल्कुल आज एकदम स्टाइल में बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे जो मुरमुरे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं मुरमुरा और डालती हूँ क्योंकि अचार वाला तेल डाला है मैंने इसमें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग उसको मिक्स कर लेंगे। ये जब हमारे मुरमुरे इस तरीके से मिक्स हो गए, देखिए इसमें ऑयल हो गया है, आप देख सकते होंगे इसमें अब ऑयल। अब इसमें हमारे जो आ गया है ऑयल, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड करेंगे। आपके पास अगर काला नमक हो तो आप काला नमक ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल दिया है। मैं काला नमक ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि उससे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम लोग इसमें थोड़ी सी एक ग्रीन चिली कट कर देंगे। ये देखिए, मैं इसमें तुरंत डायरेक्ट ही एक छोटी सी ग्रीन चिली जो है मेरी वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें एक, और इनफैक्ट आप जितनी भी आपको जैसा भी आपको झाल चाहिए, क्योंकि इसका नाम झालमुड़ी है तो झाल होना चाहिए भाई। झाल मतलब बंगाली में जिसको आप तीखा कहते हैं वो होता है, इसलिए इसको झालमुड़ी कहते हैं। और ये देखिए, मैंने एक मैंने थोड़ा छोटा साइज़ में प्याज कट कर लिया है। हम लोग थोड़ा सा इसमें प्याज डालेंगे और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने का तो भी तो स्टाइल होता है भाई। अब मिक्स करने का क्या स्टाइल होता है आप लोगों को तो आप लोगों ने देखा होगा ना, वो इस तरीके से ढकता है और तो ये मिक्स हो गया। यस, ओके। अब मैं इसमें थोड़ा से टमाटोज ऐड कर रही हूँ, ये देखिए छोटे स्लाइस में। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ककम्बर भी कट कर रखा है, तो थोड़े से मैं उसमें ककम्बर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसको एक बार हम लोग और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स हो गया है अच्छे से। और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा, देखिए मैंने, आप इसमें थोड़ी सी वो मिला सकते हैं, कोई भी आपके यहाँ नमकीन हो तो आप मिला सकते हैं। मैं इसमें, मेरे पास पंचमेल नमकीन थी, ये देखिए, जिसमें सारे मतलब हरा मटर और ये सब चीज़ें हैं वो डाल रही हूँ। थोड़े से मैं इसमें सेव भी डाल रही हूँ। और कलकत्ता में जब आप झालमुड़ी खाएंगे तो वो लोग इसमें थोड़ी सी गरी ऐड करते हैं, तो मैं थोड़ी इसमें गरी भी ऐड कर रही हूँ।
और इसमें थोड़ा सा मैं ये देखिए मूंगफली दाने को मैंने रोस्ट कर लिया था, तो थोड़े से मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, ये देखिए नींबू का रस। और एट लास्ट आप, ये एक्सेप्शन है, अगर आपके आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़े से अनार के दाने और थोड़े से मैंने एप्पल को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, तो मैंने थोड़ा सा एप्पल भी मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइज हमारी झालमुड़ी, और ये एक बाउल ले लूँ मैं, अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब हो गया ये बहुत, अब आप कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है क्या, तो ऐसा नहीं है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा उस तरीके का स्टाइल अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या आपको कुछ पसंद आ जाए शायद, तो इस तरीके इसलिए मैंने उसको यूज़ किया था। ये देखिए, और अभी भी आप इसमें थोड़े से मूँगफली के दाने, थोड़ा सा प्याज, ये देखिए गाइज, और थोड़े से टमाटर मैं इसमें और डाल देती हूँ, और हमारी थोड़ी सी गरी, और हमारे थोड़े से सेव वाली नमकीन, ठीक है। और अब हम लोग इसको इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई अच्छी तरीके से और अंदर चली गई हैं। ये देखिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे, ये एकदम एक्सेप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ एक बार आप मेरी वाली ट्राई कीजिएगा ना, भेलपूड़ी बहुत टेस्टी लगती है, और इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। और टमाटो केचप के साथ ना ये बहुत टेस्ट इसका लगता है और एकदम मस्त वाला। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता, मैं इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता और डाल देती हूँ। अब ये हमारी एकदम रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं हरियाली इसकी। तो आइए हम लोग इसको सर्व करते हैं, और एक मैं आपको बता दूँ, इसके साथ हम लोग आज मैं सर्व कर रही हूँ आपके साथ नींबू की चाय। थोड़ी सी ट्विस्ट है नींबू की चाय में, मैं कैसे बनाती हूँ जल्दी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए गाइज हमारा जो मेरी जो झालमुड़ी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, आइए हम लोग इसको लेमन टी के साथ मैं सर्व करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग गैस ऑन कर लेंगे, और पैन में हम लोग जितने लोगों के लिए आपको बनानी है उस हिसाब से आप पानी डाल लेंगे। मैं 3 लोगों के लिए नींबू चाय बना रही हूँ, तो 3 कप पानी डाल लेंगे हम लोग। एकदम सही माप से मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि बिल्कुल भी आप गड़बड़ी नहीं करें, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 3 कप ही पानी लें जिस कप में आपको चाय देनी है। और अगर आपने 3 कप पानी लिया है तो उसके हिसाब से आप 4 चम्मच चीनी डालेंगे। ये देखिए इस कूप में 2 चम्मच आता है और इसमें 2, तो उस हिसाब से मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी को हम लोग मेल्ट होने तक इसको होने देंगे। ये देखिए गाइज हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है, अब हम लोग इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड करेंगे। चाय पत्ती आप एकदम समझ लीजिए कि आधी चम्मच यूज करेंगे, 1 टीस्पून से आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। अब चाय पत्ती का थोड़ा सा रंग इसमें आ जाए उसके बाद हम लोग इसमें नींबू ऐड करेंगे, लेमन जूस मतलब। एक बड़ा चम्मच इसमें मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग इसमें ये थोड़ा सा ट्विस्ट है मेरा, मैं इसमें जलजीरा ऐड करती हूँ। ये गोल्डी का शाही जलजीरा मसाला है, ये बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें मिंट और फेनल सीड्स, कार्डमम, जिंजर और इसमें एस्पर्टिडा और क्लोव्स, बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में पड़ रही थी आपके सामने, और ये बहुत ही अच्छा जलजीरा है, तो इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए मैं इसमें 1/2 चम्मच जलजीरा ऐड कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा और हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे।
ये देखिए गाइस, मैंने इसमें 2 स्लाइस नींबू की डाल दी है। ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें आप इसको थोड़ी देर बाद निकाल देंगे, एक बॉयल होने के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से। ये देखिए अब हमारी चाय हो भी गई है। अब हम लोग इसको छान लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने 3 कप रखे हैं और मैं इसको इसमें छान ले रही हूँ। हमारी लेमन टी एकदम रेडी है। आपको मेरी लेमन टी और एक ट्विस्ट के साथ कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और लेमन टी ज़रूर पीजिए। हमेशा काढ़ा पीने से सब समय काढ़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लेमन टी पियेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।